क्लास टू चैप्टर नंबर फोर द हेल्पफुल फ्रेंड। हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार, मददगार फ्रेंड, जो हेल्प करे उसको कहेंगे हेल्पफुल फ्रेंड। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ वर्ड दिए हुए, न्यू वर्ड, पहले हम इसको जान लेते हैं। फर्स्ट है स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान। शेकिंग, शेकिंग मीन्स हिलाना। ब्राइटली, ब्राइटली मीन्स चमकना। अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स भयभीत। ब्लो, ब्लो मीन्स बहना। ट्विक्स, ट्विक्स मीन्स छोटी टहनी को ट्विक्स कहते हैं। ठीक है, अब चैप्टर हम शुरू करते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ स्टॉर्म इन द जंगल एंड द विंड इज ब्लोइंग फास्ट। जंगल में तूफान आया हुआ है, ठीक है, जंगल में तूफान आया हुआ है और हवा बहुत ही तेज चल रही है। इट इज रेनिंग हेवली, यानी बारिश जो है वो बहुत ही तेजी से हो रही है। द बर्ड एंड द एनिमल्स आर इनसाइड देयर होम्स, और जो बर्ड है और एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, इनसाइड वो घर, अपने घर के, अपने होम में, अपने घर के अंदर है। चिरपी, द स्पैरो इज इन द, चिरपी द स्पैरो इज इन हर नेस्ट। चिरपी, एक चिरपी नाम की स्पैरो है। स्पैरो मतलब एक छोटी सी चिड़िया जिसको गौरैया कहते हैं, उसको स्पैरो, उसका नाम चिरपी है। यहाँ पे वो अपने घर के अंदर, अपने नेस्ट, घोंसले के अंदर है। सी इज अफ्रेड ऑफ द विंड, यानी वो जो भयभीत है उस तेज हवा से, जो है वो छोटी सी चिड़िया भयभीत है। हर मैंगो ट्रीज इज शेकिंग, और वो जो जिस मैंगो ट्री पर है वो शेकिंग कर रहा है, वो हिल रहा है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, चिरपीज नेस्ट फॉल्स डाउन फ्रॉम द मैंगो ट्री। जो चिरपी का नेस्ट है, घोंसला है, वो क्या होता है, फॉल्स डाउन यानी नीचे गिर जाता है। किससे? मैंगो ट्री से। जो मैंगो ट्री पे उसका घोंसला था वो उससे नीचे गिर जाता है। ठीक है, अब हम आगे जानेंगे। पुअर चिरपी, बेचारी चिरपी, यहाँ पुअर का मीनिंग बेचारी से है। सी इज वेट एंड अनहैप्पी, वो जो है वेट मतलब हुआ गीला, मतलब वो भींगी हुई है, वो पूरी तरह से भींग गई है और बहुत ही अनखुश है, मतलब बहुत ही उदास है। जब किसी का घर टूट जाएगा तो वो कैसे होगा, अनहैप्पी ना हो जाएगा, उस तरह वो बहुत ही अनहैप्पी है। सी गोज टू हर फ्रेंड, वो कहाँ जाती है, वो अपने फ्रेंड के यहाँ जाती है। टुक टुक द जिराफ, टुक टुक एक जिराफ है, मतलब जिराफ जो है उसका नाम क्या है यहाँ पर, टुक टुक। टुक टुक ब्लोज एयर ऑन चिरपी एंड ड्राइज हर फेदर। अब टुक टुक क्या किया, टुक टुक जो है वो पूरी तरह से, वो जो गौरैया है, स्पैरो है, चिरपी है, वो पूरी तरह से गीली है, तो उसको सुखाने के लिए वो अपने, मतलब फूका अपने मुंह से और उसके जो पंखों को है सुखाने की, ड्राई करने की कोशिश की। ठीक है, वो सुखाया उसके पंखों को। टुक टुक गिव्स हर सम नट्स टू ईट, और उसको खाने के लिए कुछ नट, कुछ मूंगफलियां दिया। नेक्स्ट, डोंट वरी माई फ्रेंड सेज टुक टुक। टुक टुक ने कहा अपने फ्रेंड स्पैरो चिरपी को, क्या कि तुम चिंता मत करो, वी विल डू समथिंग, हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, वो बहुत उदास है ना चिरपी, क्योंकि उसका घोंसला टूट चुका है, तो वो उसका दोस्त उसको समझाने के लिए, उसके हेल्प करने के लिए बोल रहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हम कुछ करेंगे। देखो ये कितनी उदास है चिड़िया। ठीक है, अब नेक्स्ट मॉर्निंग द स्टॉर्म इज ओवर, मतलब जो तूफान था वो खत्म हो गया। द सन शाइन ब्राइटली, और जो सन था वो ब्राइटली चमकने लगा, मतलब ब्राइटली मतलब होता है चमकना, वो बहुत ही शाइन के साथ, बहुत ही इसके साथ चमक रहा था। टुक टुक, टुक टुक एंड चिरपी गो टू द मैंगो ट्री, और टुक टुक और चिरपी कहाँ गए, मैंगो ट्री के पास गए। लुक टुक टुक चिरपी से, चिरपी क्या कही, चिरपी कही देखो, टुक टुक देखो मतलब वहां की स्थिति को देख के कह रही है देखो। लुक दीज ट्विंग्स एंड फेदर, इस छोटी छोटी टहनी, फेदर इस पंखों को देखो। आई हैव नो होम नाउ, अब मेरे पास कोई होम नहीं है, कोई घर नहीं है। टीयर्स रोल डाउन हर फेस,
तो क्या है, उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे, मतलब वो रोने लगी इस दशा को देख के। डोंट वरी माय फ्रेंड टुक टुक सेज, फिर टुक टुक क्या कहा अपने रोती हुई चिड़पी को देख के कि डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरह से उसको कहने लगी। यू विल सून हैव ए होम, तुम्हारे पास जल्दी ही एक घर होगा। टुक टुक कॉल्स ऑल हर फ्रेंड, टुक टुक जो है वो अपने सारे फ्रेंडों को बुलाया। सी कॉल द रैबिट द डियर एंड द पिजन, अब कौन कौन उसके फ्रेंड थे, रैबिट एक खरगोश, डियर हिरन और पिजन यानी कबूतर, यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना ये सब, ठीक है। दे ऑल कलेक्ट ट्विंग्स लीव्स एंड फेदर, जो वहां पर छोटी छोटी टहनी लीव्स पत्ते और फेदर पंख को वो इकट्ठा करने लगे, कलेक्ट करने लगे। इट इज इवनिंग नाउ, शाम हो गई। देयर आर पाइल्स ऑफ लीव्स फेदर एंड ट्विंग्स, और वहां पे जो लीव्स थे पत्ते फेदर पंख और जो छोटी छोटी टहनिया थी उसके ढेर इकट्ठे हो गए। चिरपी पुट्स देम टुगेदर, और चिरपी उसको जोड़ने लगी। सी नाउ हैज ए लवली नेस्ट, और उसके बाद बहुत ही प्यारा, अब क्या हो गया, बहुत ही प्यारा नेस्ट तैयार हो गया, बन गया। इट इज बिग एंड कंफर्टेबल, वो बहुत ही बड़ा था और बहुत ही कंफर्टेबल था, बहुत ही आरामदायक था। थैंक यू वेरी मच चिरपी सेज टू टुक टुक एंड हर फ्रेंड, वो चिरपी थैंक यू बोली टुक टुक को और उनके फ्रेंडों को। चिरपी इनवाइट देम फॉर ए पार्टी नेक्स्ट इवनिंग, चिरपी अगले शाम के पार्टी के लिए उन सबों को इनवाइट की। इसी तरह हमारा चैप्टर नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम कुछ इसका वर्क है उसको कर लेते हैं। फर्स्ट में है हु सेड द फॉलोइंग लाइन, ये लाइन को किसने कहा है। देखिए, आई हैव नो होम नाउ, मेरे पास कोई घर नहीं है, किसने कहा था, चिरपी ने कहा था। डोंट वरी माई फ्रेंड वी विल डू सम थिंग्स, ये किसने कहा, टुक टुक ने कहा, टुक टुक जो एक जिराफ था, टुक टुक जिराफ ने कहा था। नंबर सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नंबर ए है हु इज चिरपी, आंसर चिरपी इज ए स्पैरो। नंबर सेकेंड, हु इज चिरपीज फ्रेंड, आंसर टुक टुक द जिराफ इज चिरपी फ्रेंड। नंबर सी, हुम डज टुक टुक कॉल्स फॉर हेल्प, आंसर टुक टुक कॉल्स रैबिट डियर एंड पिजन फॉर हेल्प। नंबर डी, व्हाट थिंग्स डू ऑल द एनिमल्स कलेक्ट फॉर मेकिंग ए नेस्ट, आंसर The animals collect leaves, feather and twigs for making a nest. Number third है, put the word in the right order. यहाँ पे कुछ word दिए हुए हैं, वो right order में नहीं है, उनको right order में करके meaning उसका सही बैठाना है। Number A है, wind fast is blowing the. तो क्या होगा इसका answer? The wind is blowing fast. Number B, dries feather her tuk tuk. Answer होगा इसका tuk tuk dries her feather. Number C, has lovely chirpy a nest. Chirpy has a lovely nest. Number 4. Find the opposite of the following words from the story. जो स्टोरी में आए हैं उसके अपोजिट वर्ड लिखने हैं। नंबर ए है स्लो, स्लो का होगा फास्ट। बी सैड हैप्पी, ड्राई वेट, स्मॉल बिग अप डाउन। नंबर फिफ्थ,
Fill in the blanks using correct prepositions for the help box. मतलब यहाँ पे कुछ preposition helping box में दिए हुए हैं, उसकी मदद से हमको इसमें fill करना है. Number A है Chirpy is dash her nest. तो यहाँ पे होगा in. Number B, her nest is dash a mango tree on. Mango tree के ऊपर होता है तो on. Number C, her nest falls down dash the tree from the tree. Number D, look dash these twigs and feather at. ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 4 समाप्त होता है. थैंक यू.